हूं आरिफ आसमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम थाने जिले की मशहूर शख्सियत, खासकर थाने जिले में विशेष रूप से अपनी पहचान बनाने वाले थाने के पूर्व मेयर और मुमरा शहर के दिग्गज नेता नईम खान साहब के पास पहुंच चुके हैं और उनसे हम कुछ सवालात करेंगे। तो चलते हैं खान साहब के पास। खान साहब, निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। मुमरा शहर में इस वक्त जो रिदा वर्सेज अवार्ड चालू है, जो MMRDA की ब्रिज बनी, वहाँ पर जो ओपनिंग के लिए CM साहब आए, वहाँ पर जो है धक्का मुक्की का जो भी मामला हुआ, अवार्ड साहब पर जो है विनय भंग का मामला दर्ज हुआ, उसके बाद रिदा रशीद पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, अभी रिदा रशीद की गिरफ्तारी को लेकर जो है 4 दिन से आंदोलन चल रहा है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, ये मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो भी एपिसोड चला, ये एक राजनीति स्टंट उन्होंने किया। क्या किया? दोनों पॉलिटिशियन हैं, एक BJP की है, एक NCP की है, मगर ये जो इन्होंने एट्रोसिटी का केस दाखिल किया है, मेरा जहाँ तक ख्याल है क्या और मालूमात है कि उमरा चौकी का इसमें कोई लेन देन नहीं है। इनको करना था धंधा धरना, तो इनको ACP करने जाना चाहिए, क्योंकि ACP इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। और ये तो मुमरा में एक कॉमन चीज़ है, आज किसी के ऊपर केस कर लो, किसी के ऊपर कुछ कर लो। ये डोरेमोन जैसे जब से मुमरा आए हैं, इन्होंने सब सत्यानाश किया ना। मैं समझा नहीं खान साहब, डोरेमोन मतलब? नहीं, डोरेमोन है वो, सब पब्लिक समझती है, अगर आप नहीं समझे होंगे तो पब्लिक समझ जाएगी। तो डोरेमोन लोगों ने, इन लोगों ने ये किया, अंदर जाओ बाहर आओ फलाना आओ ढमकाओ, इनके ऊपर खुद एक्स्ट्रासिटी के केस थे, इनकी जमानत नहीं हुई थी उस टाइम, धरना परिषद नहीं हुआ, लोगों ने धरना नहीं दिया, लेकिन फिर साल सवा साल के बाद शायद इनका जमानत हुई या नहीं हुई, वो ऊपर वाले को। खान साहब, इस मामले को लेकर या फिर इस मामले के बाद मुमरा की राजनीति में क्या असर दिख रहा है या क्या असर पड़ेगा फ्यूचर में? नहीं, अभी तो गर्म होगी राजनीति, सर्दियों के दिन है, गर्म होगी, हाथ तापने में बड़ा मज़ा आएगा। और ये तो कैसा है कि आप पत्थर मारोगे कीचड़ में, तो भाई कीचड़ अपने ऊपर भी उछलेगा। तो ये तो आप समझो नहीं कि भाई उन्होंने ये किया तो उन्होंने ये किया तो उन्होंने ये किया, तो इसमें तो होएगा नहीं भला किसी का। खान साहब, एट्रोसिटी एक्ट में पहले तुरंत गिरफ्तारी हो जाती थी, उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन होता था, अभी आप कानूनी जानकारी भी रखते हैं, क्या कहेंगे एट्रोसिटी एक्ट के बारे में? पॉलिटिकल प्रेशर है जी, पॉलिटिकल प्रेशर है। 354 में भी इमीडिएट गिरफ्तारी होती है, इसमें भी होती है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर कुछ नहीं, आराम। और जब इनको मर्जी में आएगा, जब वो केस में गिरफ्तारी होगी, जामिन होएगा, अभी तो इंटरमेंट मिल जाता है ये, क्योंकि नेताओं को बड़ा साफ सुथरा समझते लोग, इसके लिए तो चल रहा है। अभी उन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि रिदा आती है मुंबई से, यहाँ राजनीति करती हैं, अब ये तो थोड़ी बहुत चलती रहेगी। तो ये गर्म, जितना गर्म राजनीति होगी, मज़ा भी ऐसे भी आजकल कुछ हो नहीं रहा है, डिसॉल्व हो गए सब नगर सेवक, घरों में बैठे हुए हैं, कुछ है नहीं, तो ये चलने दो थोड़ा। एक आखिरी सवाल है खान साहब कि 4 दिन से प्रवीण पवार नामी व्यक्ति जो है आंदोलन पर बैठा है, जो है रिदा रशीद की गिरफ्तारी को लेकर, और पुलिस इस आंदोलन को जरा भी सीरियस नहीं ले रही है, ऐसे में डॉक्टरों ने भी ये सलाह दिया है कि उसको तुरंत एडमिट हो जाना चाहिए, उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, गलत जगह बैठा है ना, मैंने आपको क्या बोला, ACP का नहीं बैठना चाहिए, कलवा के ऑफिस में बैठना चाहिए, यहाँ बैठ के क्या, इनके हाथ में ही, मुमरा चौकी के हाथ में कुछ भी नहीं है, कलवा के हाथ में, इसका पूरा जांच पड़ताल सब ACP करता है, तो आपको कहाँ बैठना पड़ेगा? ACP जब यही नहीं मालूम इन लोगों को कि हमको बैठना कहाँ है, तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े नेता हैं ये लोग। मुमरा की मौजूदा राजनीति को देखते हुए आवाम को क्या संदेश देंगे? मैं, आवाम तो मज़े ले रही है, आवाम तो, आवाम किधर है, कोई आवाम साथ में नहीं है, हम जैसे हैं NGO हैं ये हैं, सब बैठ के मज़े ले रहे हैं, हाथ ताप रहे घरमाट के अंदर, आवाम को कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जैसा बोया वैसा काट रहे, आवाम को कोई मतलब नहीं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मुमरा शहर की
बहुत ही पुरानी शख्सियत जो है खालिद मलिक जी हमारे साथ है। ये मुमरा के बहुत पुराने नेता भी रह चुके हैं, सहाफ़ी भी रह चुके हैं और राजनीतिक मामलों के बड़े जानकार हैं, बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं और शहर के हालात पर जो है इनकी अच्छी नज़र रहती है, पैनी नज़र रहती है। तो हम बात कराएंगे आपसे जो है खालिद मलिक की मुलाकात कराएंगे। मलिक साहब, मुमरा की मौजूदा राजनीति जो चल रही है, जो आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति तो सबको करना चाहिए, राजनीति तो हर पार्टी का हक है, लेकिन जैसे कि एक वन साइड राजनीति यहाँ पे होती है जो हो रही है और उन्होंने पहले किया भी है और विपक्ष को इन्होंने मारने की कोशिश किया कि विपक्ष रहे नहीं, मैं ही रहूं, तो ऐसा नहीं है। राजनीति होती है और अच्छी तरीके से विपक्ष रहता है तो विपक्ष में फिर लोगों का काम होता है, तो ये तो काम ही करना नहीं चाहते तो बोलते हैं कि अब मैं ही रहूं, विपक्ष रहे नहीं। जैसे कि ये आंदोलन जो चल रहा है ये तो एक लोकतांत्रिक मामला है, लोकतंत्र में जो है हर आदमी को आंदोलन करने का हक है और होना भी चाहिए, लेकिन और भी बहुत सी समस्या इस मुमरा के अंदर है और वो समस्या के ऊपर इनको ज्वलनशील समस्या सबसे बड़ी यहाँ की टोरेंट है। जो टोरेंट का मुद्दा पब्लिक में इतना ज़्यादा बेचैनी है, उस मुद्दे पे इनको, इन्होंने बड़े वादे भी किए थे टोरेंट को हटा देंगे, ये कर देंगे, वो इनके वादे हैं सब उसके अंदर है, मैं सुनते भी रहता हूँ। तो जब जो जैसे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का मुद्दा है, वो तो खैर अब वो तो मामला ही ख़त्म हो गया, यहाँ का वहाँ कर दिया, वहाँ का यहाँ कर दिया, तो अब वो तो वो नहीं है, लेकिन टोरेंट का मुद्दा जो है इस पर इनको वो करना चाहिए आंदोलन और इसको ख़त्म करना चाहिए। और अगर इन्होंने टोरेंट का मुद्दा ख़त्म किया जैसे इन्होंने बहुत वादा किया था, ऐसे तो कई वादे इनके बूके निकली हुई हैं इलेक्शन के अंदर, कई वादे हैं, पानी के वादे हैं, टोरेंट का है और तुम्हारे हज हाउस का है, कई ऐसे मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे कोई काम आज तक हुआ ही नहीं है। इसके ऊपर करो जो पब्लिक का फ़ायदा हो, वो तो उस पर करते नहीं, आंदोलन करो ना, आंदोलन तो सबका हक है। पिछले मतलब 20 सालों से और अब की राजनीति में क्या अंतर देख रहे हैं आप? भाई, इसके पहले तो बड़ी अच्छी मोहब्बत थी लोगों में, हर एक दूसरे मिलते जुलते थे, जब से अभी आए हैं, मैं तो पूरे पिक्चर को देख रहा हूँ शुरू से अभी तक, तो साथ में भी रहा हूँ, नहीं भी रहा हूँ, और दोनों चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ की राजनीति जो है एकदम ख़त्म हो चुकी है और शहर का माहौल भी ख़राब हो चुका है, क्योंकि जो ख़राब लोग थे मुमरा के, जो ख़राब थे वो इस राजनीति में आ गए हैं और वो बहुत आगे बढ़ गए हैं, जो अच्छे लोग थे वो साइड में हो गए हैं। मलिक साहब, डॉक्टर जितेंद्र अवहाड़ पर जो 354 विनय भंग का मामला दर्ज हुआ, उसके बाद जो है रिदा रशीद पर जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये जो मामला दर्ज हुआ है तो ठीक है, अब कुछ हुआ होगा तभी तो मामला दर्ज होता है, अब वो दर्ज होता है तो उसकी जांच होगी, पुलिस जांच करेगी, सही है तो उसके ऊपर केस दर्ज होगा, नहीं तो उसको ख़त्म करेंगे। और रिदा रशीद का मामला है अल्ट्रासिटी का, तो इन लोगों के ऊपर भी, कई लोगों के ऊपर शीलभाटा में ये केस दर्ज हुआ है और सेम केस है, पता नहीं इनका जामीन हुआ है 2017 में केस हुआ था, संजीव जायसवाल जो रास्ता रुंधीकरण की जो कार्रवाई कर रहे थे उस दौरान, तो कई लोगों पे हुआ था, एनसीपी के कई लोगों पे, जफर रोमानी थे, महफूज मामा थे, करीम खान, शमीम खान, ये चार लोग थे, तो ये लोग की जामीन हुई कि नहीं हुई पता नहीं। और ये जो अल्ट्रासिटी का मामला है ये एसीपी रैंक का आदमी जो है, एसीपी रैंक के जो पुलिस हैं वो इसकी इंक्वायरी करते हैं, और इसकी इंक्वायरी करने के बाद उनको अगर लगा कि ये गलत है तो उनके हाथ में कि वो ख़त्म भी कर सकते हैं और इसको चला भी सकते हैं, ये कानून है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।